जब किडनी खराब होती है तो आपका क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड बहुत बढ़ावा मिलता है, इसी के कारण से किडनी खराब हो जाती है, क्योंकि ब्लड में गंदगी होने से वो किडनी जो है उनको साफ नहीं कर पाती। तो क्रिएटिनिन को कम करने के लिए आप ऐसी चीज़ खाएं जिससे क्रिएटिनिन ना बढ़े, खून में गंदगी ना बढ़े। इससे बचने के लिए आप सबसे पहले ध्यान दें कि आप प्रोटीन का सेवन ना करें, और अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही कम मात्रा में करें। मांसाहारी लोग रेड मीट ना लें, और जो दूध या दूध के प्रोडक्ट से के प्रेमी हैं वो इनको छोड़ दें तो अच्छा है, नहीं तो बहुत कीमती है किडनी आपकी, ये क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड आपके शरीर को ख़राब कर देगी, आपकी किडनी को ख़राब कर देगी। अधिक से अधिक फाइबर लें, और फाइबर के लिए आप फल लें, सब्जियां खाएं और साबुत अनाज खाएं, और फलीदार जो सब्जियां होती हैं आप उन्हें खाएं। अगर आप तरल पदार्थ भोजन में लेते हैं और पानी अच्छा पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। नमक कम लें, नमक कम लेने से कई फायदे होंगे। खून में गंदगी इकट्ठी नमक के कारण भी होती है, और इससे बीपी भी बढ़ता है, बीपी बढ़ने से जल्दी आपकी किडनी फेलियर होती है। और कुछ दवाइयां हैं जो आपकी किडनी को ख़राब करती हैं, यूरिक एसिड बढ़ाती हैं, जैसे स्टेरॉइड्स और एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसन। इन मेडिसन को अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप डॉक्टर के देखरेख में ही लें, आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। आप कठोर व्यायाम ना करें, हल्के फुल्के व्यायाम अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं तो आप प्राणायाम तक ही ठीक रखें। अगर आप शौकीन हैं धूम्रपान के शौकीन या शराब के शौकीन जो हैं वो उनकी सोच ही कुछ अलग होती है, कहते हैं थोड़ा सा लेने से कुछ नहीं बिगड़ता, हम तो बहुत दिनों से ले रहे हैं। आपकी किडनी बहुत कीमती है, आपके थोड़ी से देर के मज़े से अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए मज़ा लेते हैं लेकिन आपकी किडनी आपकी लाइफ को ख़त्म कर देती है। अब है इसमें, अगर आपकी किडनी ख़त्म है, फेलियर हो रही है, या आप फेलियर होने से बचाना चाहते हैं, अपनी किडनी को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, तो किडनी की आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटी हैं, आप उनको किसी भी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से या किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर के इन दवाओं को आप प्रयोग कर सकते हैं। ये हैं पुनर्नवा, जिसे हम साठ भी कहते हैं, देहात में इसको सांठ कहते हैं, खेती में ये बड़ी प्रॉब्लम करता है लेकिन है बहुत कीमती चीज़। ये लीवर को और किडनी को सुरक्षित रखता है, शरीर की कहीं भी सूजन हो उसको बाहर निकाल देता है। दूसरा है वरुण, वरुण की छाल का काढ़ा अगर आप पीते हैं तो आपको किडनी की समस्या होना असंभव है। अगर आपको पेशाब में कोई परेशानी है, किडनी साफ पेशाब को ठीक नहीं कर रही है, तो आप पुनर्नवा और वरुण की छाल दोनों को भी इकट्ठा लेकर के उसकी चाय की तरह बना करके ले सकते हैं। सारीवा लेने से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है और किडनी की सफाई होती है, लेकिन साथ साथ में पानी का प्रयोग जरूर करते रहें, लिक्विड डाइट जरूर लेते रहें। काशनी देहात में लोग खूब जानते हैं लेकिन पशुओं को खिलाते हैं, अपने आप नहीं खाते। काशनी का आप किसी भी तरीके से सब्जी बना सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं, उसका चाय बना कर पी सकते हैं। फिर है एक मकोई, मकोई लीवर की सूजन की और किडनी के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। आप सिरस की छाल या सिरस के पत्ते पका करके भी आप ले सकते हैं, आपकी किडनी
इन चीज़ों से साफ़ रहेगी। और इस लिक्विड डाइट का मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप लिक्विड डाइट लेते रहें, धूम्रपान ना करें, शराब ना पिएं। शराबी को अगर हम सलाह देते हैं कि आप अपनी किडनी को साफ़ करना चाहें तो वो कहते हैं कि शराब तो वैसे ही साफ़ कर देती है। इतनी लापरवाही ना करें। आप अगर लेते हैं तो आपके परिवार पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, आपके परिवार के बच्चों पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी तो खैर, अगर शराब किडनी के परेशानी यानी रोगी अगर लेते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी तो खतरे में है। धन्यवाद हमारी वीडियो बनाने से। अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इन बात को मानें, और अगर आपको लाभदायक लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक ज़रूर कर दें, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा। हमें वीडियो बनाने का, आगे आपको की सेवा करने का प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।